कैला देवी में सर्व समाज सेवा समिति के कार्यकर्ता ने घरेलू बिजली के बिल माफ करने की मांग उठाई है। कैला देवी में सर्व समाज सेवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर ज्ञापन भेजकर घरेलू बिजली के बिलों की राशि माफ करने की मांग की। इस दौरान समिति के वरिष्ठ सदस्य किरोड़ी भक्त मीणा ने बताया कि कई बार प्रकृति की आपदा होने के कारण किसानों की फसल खराब हो गई और विश्वव्यापी कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रहे आम नागरिक की रोजी रोटी ठप हो जाने की वजह से उनके सामने आर्थिक संकट हो गया है, जिसकी वजह से वह अपने परिवार की दो वक्त की रोजी रोटी जुटाने में असमर्थ है। ऐसे में वह अपनी घरेलू बिजली के बिल कैसे चुका सकते हैं, इसलिए सर्व समाज सेवा समिति की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये मांग है कि आम नागरिकों के घरेलू बिजली बिल माफ किए जाएं। इस मौके पर समिति के सदस्य ब्रह्म गोयल, जीतू परमार, राजकुमार जादौन, मेगा मीणा, शेरा जाटव, पप्पू गुज्जर आदि मौजूद रहे। सर एक बात बताइए, जो आप यहाँ पर जो मांग को लेकर आए हैं, क्या मांग है आपकी राज्य सरकार से? हमारी मांग ये है कि यहाँ पे जो अभी तक आबादी है वो मजदूर वर्ग है। अब लॉकडाउन की परिस्थिति में जहाँ हम आर्थिक संकट गहरा रहा है, क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे तो सब बंद है लगभग, तो ऐसे में आर्थिक तंगी से सभी लोग जूझ रहे हैं। तो अब जो लाइट का बिल है, ऐसे में कहाँ से भरेंगे हम? तो हमारी मांग ये है तो अभी ये जो 3 महीने के बिजली बिल हैं, इनको राज्य सरकार माफ़ करे, जिससे मजदूर वर्ग को राहत प्रदान हो